पुरानी हो जाएगी तो बस निकालनी तो है ही। रेंज रोवर इसके बदले में। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई सुबह का टाइम हो गया 7:50। जय माता दी, चलते हैं जी। देख लो अभी भाई मैं 4 दिन अभी घूम के आया हूँ उत्तराखंड, और इसका 1% भी वहाँ पे भाई रोड कंडीशन इस तरह की हुई तो जैसी अभी आपने देखी होगी भाई, बड़ा दिमाग खराब। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका, आज फिर दोबारा क्योंकि बारिश होगी दोबारा पानी भर गया। क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते, किसी को कुछ नहीं पता। जैसा चल रहा है चल रहा है, 6 महीने से ऐसे पूरी पब्लिक परेशान है। आप देख ही रहे हो तो अभी ट्रैफिक जैम लेफ्ट साइड में लग गया था, पता नहीं वो गाड़ी थी हुंडई वाली कौन सी सेंट्रो, वो क्या हो गया उसमें, उसको कुछ हाइड्रा मशीन कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी पता नहीं, कहीं से कुछ टूट गया होगा भाई गड्ढे पड्डे में। तो बाकी ट्रिप बहुत बढ़िया रहा अपना, और 4 दिन घूमे पूरी मस्ती की। और बच्चों कैसा रहा ट्रिप? आज हम चलेंगे, पहले वो बता देता हूँ, आज कुछ गाड़ी का कुछ डिस्कशन करना है मार्केट में, 2-4 जगह चलेंगे, ये डिजायर को सेल करना है भाई, वो काफी दिनों से खड़ी है, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया उसको, शायद 2 साल भी हो गए हूँ, वो कंटिन्यू खड़ी है। लॉकडाउन के बाद वो ज्यादा ड्राइव किया ही नहीं है भाई उसको, अपनी इमरजेंसी में कभी गाड़ी इधर उधर सर्विस कराने जाते हैं तो वो फिर उसको यूज करते हैं, तो उसको सेल करके दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का विचार है जो अगर ठीक बजट में आ जाएगी तो। अभी पता नहीं भाई, मैंने अभी कोई रेट वेट कुछ प्राइस पता ही नहीं करा मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ छोटी सी गाड़ी हो जो कि इलेक्ट्रिक हो भाई, अपना लोकल मार्केट का इधर उधर का काम जो डेली के रनिंग है अपना 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का अपना काम चला दे भाई। शाम का 6 बजे का टाइम हो गया है और आज जा रहा हूँ मैं इसको भाई मार्केट लेके, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इसके लिए क्या डिसीजन हो पाता है। बाकी वंशोम कुछ कहना चाहता, बताओ भाई क्या कह रहे थे, है भाई बड़ा बोलता है, आज इसको दे आओगे आज सेल कराओगे भाई, और हम तो इतने सालों से इसमें घूमते हैं, ये है वो है। तो भाई वो तो जो भी है वो तो अब चीज पुरानी हो जाएगी तो भाई निकालनी तो है ही। रेंज रोवर इसके बदले में इसके बदले में एक बाइक आ जाए ढंग से, वो भी बहुत है वो। नहीं भाई इतनी तो सस्ती नहीं है भाई, तो ठीक है इतने तो रेट होने चाहिए। अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो मार्केट में जाके पता लगेगा, बाकी चलते हैं अभी क्योंकि फिर रात हो जाएगी भाई, फिर वहाँ पे मार्केट में ये सारा डिसीजन कर नहीं पाएंगे अंधेरे में भाई। पहले चलते हैं, 5 मिनट का एक छोटा सा काम है जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था। मैं देखते हैं मेंबरशिप कितने दिनों की है, वैलिड है नहीं है, काफी दिनों में आ रहे नहीं, शायद कुछ गड़बड़ी है क्या, काम नहीं कर रहा। अच्छा वही चेक करना है था, देखना कब हुई है भाई। मुझे पता था क्योंकि मुझे ऐसा थोड़ा सा याद था कि सर्दियों से पहले मैंने मेंबरशिप ली थी भाई यहाँ इस जिम की, और 1 ईयर की, और 1 ईयर में मैं कितने डेज आया होऊंगा भाई, 90 डेज 100 डेज आया होऊंगा मुश्किल से, मतलब आते के 20-25 दिन, फिर आए फिर छोड़ दें, फिर आए फिर छोड़ दें, मगर 2-3 बार ही ऐसा हुआ था क्योंकि आपकी बार भाई ट्रिप इतने बार बार बाहर जाते हैं और फिर बाद में थकावट हो जाती है। थकावट की बात मैं बताऊं, आज मुझे आना था जिम, इसलिए मैंने चेक कराया कि भाई आज तो चलो नहीं हो पाया जैसे भी रीजन से, शाम के 6 बज गए अभी मार्केट का काम हुआ नहीं, मैं सोच रहा था अर्ली मॉर्निंग आ जाऊँगा और इसको चेक करा लेता हूँ, पर वो ही बात हुई जो मैं सोच रहा था कि मॉर्निंग में भाई कोई मेंबरशिप रिन्यू करने वाला होता है नहीं, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे आएंगे, 5 बजे जिम ओपन हो जाता है, 4:30-5 बजे फिर वही वाली प्रॉब्लम हो जाती है। पर अभी ये कह रहे हैं भाई कुछ इनसे भाई वो करना पड़ेगा डिस्कशन, कितना क्या चार्जेस होगा रिन्यू का, बाकी इसको तो अब देखेंगे कल दोपहर में, फिर अपना कल शाम से जिम स्टार्ट करेंगे। दिल्ली नंबर भी हमारे यहाँ बिकती है। दिल्ली नंबर आपके यहाँ नहीं बिकती है, तो कहाँ जाए, विदेश जाए, इंडिया में नहीं बिकेगी अभी यहाँ नहीं बिकेगी। धन्यवाद धन्यवाद आपका, लो जी आप लोग तो, आप लोग नहीं लोगे तो कहाँ दे फिर इसको। तो भाई साहब तो भाई मना कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे दिल्ली नंबर सेल नहीं हो पाएगी, सेल नहीं होने का कारण ये है कि भाई वो ठीक रेट नहीं मिल पाएगा, ये तो ले लेंगे, ये तो कह देंगे दे जाओ 1 लाख रुपए में, फिर मैं क्या दूंगा थोड़ी, वो ये कहेंगे फिर, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन वहाँ से NOC वहाँ से निकलवाना और या गुड़गांव में ट्रांसफर करना, कोई भी कस्टमर भाई इतना ज्यादा फिर कोई पैसा देगा नहीं, तो इसका भी यही सोल्यूशन है कि जाके भाई दिल्ली में किसी भी डीलर से अपने मिलेंगे, या कोई फ्रेंड होगा भाई किसी को कोई रिक्वायरमेंट होगी डिजायर की या किसी भी गाड़ी की, इसी तरह की भाई पुरानी गाड़ी किसी को चाहिए होगी तो उसको सेल कर देंगे।
तो बाकी अभी यहाँ तो कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि अपने नॉन टू ही है भाई यहाँ पे जिनका ऑफिस है, तो इन्होंने जो रियलिटी वो बता दी डायरेक्ट, जगह जगह घूमने की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्यों काम का टाइम वेस्ट किया। और टाइम तो वैसे भी काफ़ी हो चुका है, 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो गया भाई बिल्कुल। तो अभी भाई कोई बात नहीं, इतनी जल्दी हमें कोई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई, एक हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में जब भी चक्कर लगेगा द्वारका का, दिल्ली का, कहीं का भी, जब जाके भाई किसी भी डीलर से बात कर लेंगे। तो अभी तो चलते हैं, क्यों भी चलें तो फायदा नहीं है तो क्या हुआ फिर, कोई रेट सेट ऐसा कुछ मिल नहीं पाया, कोई कुछ ही नहीं, तो ना 1 रुपया बताया ना 10 लाख रुपये बताया है जी। यहाँ तो ये सीधा डायरेक्ट मना करें, क्योंकि भैया ये हमारे घर की जो एक तरह से शॉप है, तो ये भी फायदा हो गया भाई, डायरेक्ट हम यहीं आगे अभी चलते हैं। आओ जी भाई, इनके पास गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी है एकदम, सब नई नई करके, एक भी स्क्रैच नहीं है, इतनी नई गाड़ी तो शोरूम पे इतने खड़ी मिलती है हमें, है एकदम नई, एकदम चकाचक करा के हर एक में देखो भाई, भाई जितनी गाड़ी आए सबका वो कराना क्या है, आगे पीछे का बम्पर पेंट कराया हो गई नहीं, और क्या होगा, 2-4-5 हज़ार रुपये लगने भाई। देखो एक जितनी भी गाड़ी खड़ी है सारी एकदम, पर भाई है बहुत सस्ती सस्ती गाड़ी, कितनी की होगी क्या लगता है, 1.5 लाख रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा। और ये गाड़ी देखो ये भी, ओ हमारी भाई एक भी स्क्रैच नहीं है कहीं पे भी, हमारी इनसे भी नहीं है, पर कितने की ये नहीं पता अभी हमें भाई। एक बात ये डिस्कशन करना रहेगा कि आज भाई जाना था टाटा के शोरूम में भी, अपने टाटा जो एक नेक्सॉन अभी नई लॉन्च हुई है, अभी भाई आई है नहीं आई है शोरूम पे पता नहीं, प्राइस भी शायद रिवील नहीं हुआ है, और टेस्ट ड्राइव के लिए तो पता नहीं भाई, वही चीज़ चेक करनी थी, वैसे भी रात को नहीं हो पाती, पर ये था सबसे पहला आज ऑप्शन वही था कि सबसे टाटा में जाएं, MG वाला तो भाई मेरा मूड तो है नहीं, वो टोय कार का क्या करेंगे, तो इसलिए हम जाएंगे सीधा टाटा, आज तो नहीं कल जाएंगे, और नेक्सॉन या और उनकी दूसरी गाड़ी है पर टियागो जो उनसी भी गाड़ी है वो उसको चला के देखेंगे, जो उनमें से एक फाइनल है वो कर देंगे, कोई भी एक जो भी ठीक रेट पे होगी भाई उसको पक्का, और कलर वगैरह देख के और वेरिएंट जो होंगे ज़्यादा, भाई टॉप मॉडल तो मैंने लेना नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना उसमें, क्योंकि वो गाड़ी ऐसी रहेगी भाई अपने मार्केट टूर कट इधर उधर घूमने के लिए, तो उसको फाइनल कर देंगे, बुक कर दूंगा कल ही। तो भाई अब इन पे रेट सेट की तो बात करनी क्या था, करनी क्या थी वो, अब हंसी मजाक में बोले कितने लोगे कितने दोगे, देने को तो कितने भी दे दो, कोई उस चीज की लिमिट है भाई, अपनी चीज के तो अच्छा इमाम 10 लाख मांग ले, और वो वाली बात है कोई यहाँ बन ही नहीं सकती बात, तो रेट का तो आज कुछ नहीं बता सकते भाई, क्या लगा इसका वैल्यू, कितनी लगाई कितनी नहीं लगाई, और जगह मार्केट में घूमने का मेरा कोई विचार नहीं है, नहीं मैं सोच रहा था भाई अभी तो आधा घंटा तो और मार्केट ओपन है, एक दो शॉप पे और जाएं और डीलर से पता करें कितने क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं जो भी है, पर इन्होंने फैसला ही कर दिया तो क्यों टाइम वेस्ट किया। हाँ बाकी मैंने कल जाना है, कल या परसों में चांदनी चौक, तो इसको ले जाऊंगा, पर एक प्रॉब्लम बहुत है भाई, ये पुराने मॉडल की है, इसको पुलिस वाले रुकवाते हैं चौराहे पे और मांगते हैं RC, बहुत बार हो चुका मेरे साथ, हाँ वो देखते हैं दिखाओ कौन सी वैलिडिटी इसकी, ये 10 साल हुई तो नहीं भाई समय है इसमें, ये 15 मतलब है अभी 1.5 साल 2 साल के करीब करीब अभी बचा हुआ है इसका, पर देखने में सब पुराने मॉडल है, सभी सोचते हैं भाई ये तो क्या लेके घूम रहा है बिना वो होती ना मतलब फिटनेस वगैरह ना हो इसकी वैलिडिटी, तो भाई अब कोई बात नहीं कर सकते, और कहीं चले फायदा क्या है, कोई उसका भाई यूज नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, तो इससे अच्छा भाई घर ही चलते हैं और अपना भाई काम करते हैं, कल के लिए प्लानिंग करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी ड्राइव सेफ, भारत माता की जय है।